राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। आज आप देखेंगे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर अर्धनग्न जो है सभी स्टूडेंट और छात्र संघ जो है यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग एक ही है कि यहां पर छात्र संघ चुनाव जो है वो वापस से करवाया जाए। ये तमाम जो छात्र संघ अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर, इनका आरोप ये भी है कि यूनिवर्सिटी के अंदर आने से भी इनको रोका जा रहा है। हमारे साथ शुभम रेवाड़ है, मोहित यादव है, कई लोग उनसे छात्रों से हम बातचीत करेंगे। शुभम, पहले तो आप ये बताइए कि मांग क्या कर रहे हैं आप लगातार, और आज अर्धनग्न प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों? हम छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन हमारे कपड़े फाड़ता है, हम पे मुकदमे लगाता है, हमारा खून निकालता है। आज हमने हमारा बलिदान खुद दिया, हमने अपने कपड़े दे दिए हैं, लेकिन सरकार से ये निवेदन करेंगे कि छात्र संघ चुनाव कराएं। ये किस हद तक उतर चुके हैं आप देख सकते हैं। मेरे हाथ में एक रेगुलर स्टूडेंट का चालान है, जो आम विद्यार्थी विश्वविद्यालय में आता है उसका 7,000 रुपए का चालान पुलिस प्रशासन के द्वारा काटा गया है कि यहाँ छात्र आए नहीं। ये शिक्षा का मंदिर है या किसी गिरोह का अड्डा बना रखा है? विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, पुलिस प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, राजस्थान सरकार अपनी मनमानी कर रही है, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। कितने तरीके ये अपनाएंगे छात्र को दबाने के लिए, लेकिन ये सीधा सीधा हम संदेश देना चाहते हैं, अगर छात्र संघ चुनाव नहीं बहाल हुए तो ये युवा शक्ति आपको जवाब देगी। आप विधानसभा बैठो या अपने बंगलों में बैठो, आपको जवाब जल्द से जल्द देना होगा। सदन तक कई जो युवा यहाँ से निकलकर नेता बने, यूनिवर्सिटी से निकले, उन्होंने सदन में भी ये बात उठाई, चाहे मुकेश बाकर हो, रविंद्र सिंह भाटी हो, उसके बावजूद भी अभी सरकार मान नहीं रही है, क्या देखते हैं, क्यों ये क्या अतिरिक्त? बिल्कुल ये नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जी ने ये हाल ही में स्टेटमेंट दिया कि ना तो हमने बंद किए थे ना हमने चालू किए थे। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस सरकार निकम्मा थी, उसने बंद कर दिए, लेकिन आप हमेशा कहते हो कि मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी युवाओं को आगे लाने का काम करती है, तो आप छात्र संघ के चुनाव चालू क्यों नहीं कराते? आप युवाओं के हित में फैसले क्यों नहीं लेते हो? और अगर नहीं लेते हो तो उपचुनाव आ रहे हैं, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्रत्येक युवा खदेड़ने का काम करेगा बीजेपी को, पोलिंग बूथ तक नहीं आने देगा, और उग्र आंदोलन ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में होंगे। और विश्वविद्यालय प्रशासन से भी कहना चाहेंगे, आपने हमसे नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव होने के पैसे लिए, तो अगर आप छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहे हो तो प्रत्येक स्टूडेंट को विद इंटरेस्ट उसका अमाउंट लौटाना होगा। ये आपके हाथ में जो चालान है वो क्या है? ये अभी एक स्टूडेंट नियमित रूप से जो राजस्थान विश्वविद्यालय में आता है उसका चालान पुलिस द्वारा काटा गया है कि आपको आने का अधिकार नहीं है। ये दबाने का प्रयास कर रहे हैं, आम छात्र को डराने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे, मैं मोहित यादव से भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा, मोहित यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। यहाँ के जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी की, मोहित यादव हमारे साथ है। मोहित, क्या क्या लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मांगे अभी जो है आपकी मांगने नहीं जा रही? जी, हम सब चाहते हैं छात्र संघ चुनाव जो बंद पड़े हैं उनको बहाल किया जाए, छात्र अपनी राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ सके। तो सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया था, हमारे कपड़े फाड़े गए, खून बहाया गया, तो हम अधनंगा होकर नंगी सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि हमें मजबूर मत करो कि हजारों की संख्या में हम रोड पे उतरे, विधानसभा घेराव के लिए उतरे। ये छात्र जो है एग्रेशन का एक माहौल क्रिएट करे, तो शांतिपूर्ण तरीके से अभी भी कहना चाहते हैं छात्र संघ चुनाव बहाल कर दो और चालू कर दो, नहीं तो एक विरोध प्रदर्शन मजबूती से उनको झेलना पड़ेगा, आगे और बड़ा प्रदर्शन। बिल्कुल, हम एक चेतावनी देते हैं आज शांतिपूर्ण तरीके से मैसेज करके नंगी सरकार को कि छात्र संघ चुनाव बहाल कर दे, नहीं तो एक बड़ा उग्र आंदोलन करके हम सरकार का घेराव करेंगे। ये छात्र स्टूडेंट है जिन्होंने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन और भी तेज होंगे यदि छात्र संघ चुनाव राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं करवाए गए। इसको लेकर तमाम जो नेता हैं जो यहाँ से निकले हैं, चाहे विधायक हो, उन्होंने भी सदन में इस बात को उठाया है कि किस तरीके से ये चुनाव महत्वपूर्ण है आने वाली राजनीति के लिए और देश के लिए भी। तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक इसका कोई परिणाम सामने नहीं आया। इसको देखते हुए तमाम जो छात्र नेता हैं उनका कहना है कि आने वाले समय में प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।